नाजिन यहाँ पे जो है लोग यहाँ पे एक जश्न का सा माहौल है। यहाँ पे मेंढर कॉन्स्टिट्यूएंसी से और पुंछ कॉन्स्टिट्यूएंसी से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दोनों जगहों पे वोटों का सैलाब और दोनों जगहों से सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली हैं। वहीं जहाँ मैं कैमरामैन से कहूँ थोड़ा आगे आया, वहाँ जहाँ पे सुरनकोट की सीट थी वो भी इंडिपेंडेंट ने जीती है, और यहाँ पे कोई भी ऐसी सीट नहीं थी कि जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीते या कोई दूसरी पार्टी जीते। इस वक्त यहाँ पे जो है पूरा जश्न का माहौल है, लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं अपने एमएलए को ले जाने के लिए, और मेंढर और पुंछ हो एक इस वक्त पूरी जो यहाँ पे फिज़ा है ये बहुत कम मिलता था इस तरीके से, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार दोनों सीटों पर जो अपनी बढ़त बनाए रखी और जीत भी ऐसी कि इससे पहले ऐसी जीत भी नहीं देखी गई, ये बड़ी बात थी। अब देखना यह होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये जो MLAs हैं यहाँ के लोगों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं और क्या बेहतर करें। नाज़िम मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आज इस जश्न में यहाँ पे पहुँचे हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि हम इस आज एक नरी जहदोजहद में जो 10 साल से लगी थी उसमें आज हम कामयाब हुए हैं। अल्लाह तआला का लाख लाख शुक्र है कि असेंबली इलेक्शन हुए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का तह दिल से मशकूर हैं। और हम खिताए पीर पंजाल यानी पुंछ रजौरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जो भी लोगों ने फैसला किया, मैं इन तमाम लोगों के फैसले को सर आंखों पे लेता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं जो कि इंडिया अलायंस यानी कोलिशन को दिया है। और मैं अपनी हवेली की बात करूँ जहाँ तक, और सबसे बड़ी जीत मैं समझता हूँ पूरी स्टेट में हवेली की है, जिसमें 41,800 कुछ वोट लिए हैं यानी 42,000 वोट लिए हैं। अगर नोटे ने कुछ ना खाया होता तो हम 42,000 का आंकड़ा पार कर देते। और सबसे बड़ी जीत है, मैं मेंढर हो पुंछ हो या सुरनकोट की आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, और हम खासकर जो अलायंस के कैंडिडेट हैं इनको भी मुबारकबाद। और उन लोगों को यानी यहाँ देखने में ये मिला है कि मर्द का वोट किसी को मिला है, औरत का किसी को मिला है, एक तरफा वोट मिला है। हम इस चीज़ से नहीं, यही बात अलग सी कही जाती थी कि यहाँ पे लोग जो है एक घर के दूसरे को वोट देंगे, दूसरे को तीसरे को देंगे, ये चीज़ें बहुत कम मिली हैं यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से एक सैलाब आया है लोगों ने खामोशी अख्तियार की है, सच बताया नहीं है। नहीं, लोगों ने सच बताया, जो वोटर थे वो सच में थे। लीडरों ने अपनी अपनी जगह वोट बटीरने के लिए ये बातें की थी, लोग तो अपनी जगह तार फिट पे थे। लोगों ने दिल्ली से जो बटन दबाया वो इधर से चला, इस पर लोग खुश थे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मेंढर से है जो बात करना चाहे, मेंढर से लोग सारे जनाब आप अगर बात, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय लाजता है सर। आप कहाँ से? मेंढर से। मेंढर कहाँ से? सिलवा से। सिलवा से जी। तो इस ये जो राणा साहब की जीत है इसे कैसे देखते हैं आप? सर इसको हम बहुत बहुत मुबारक देते हैं, और क्योंकि इसके जीवन में किसी की जीत को हम राणा साहब की जीत के बराबर नहीं समझते। क्यों? कि राणा साहब के अपोजिशन में सेंट्रल सरकार से लेकर और पूरे मंत्री लगे हुए थे कि 4 MLA और जीत जाए, राणा साहब को नहीं जीतने देना। सर हम इस मुबारक, लेकिन आपको क्या लगता है कि गुज्जर पहाड़ी फैक्टर भी वहाँ पे नहीं, काम नहीं आया? सब नहीं आया सर, सब ने वोट दिया है सर, इसमें कोई दुराय नहीं है कि उसने दिया इसने नहीं दिया, सब ने दिया, सबका विकास के लिए दिया, सबकी मिली हुई जीत, मिली हुई जीत है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको जीत मुबारक, जीत जो है सब, और आप सबको जीत बहुत 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 मुबारक, और ये जश्न मनाइए। लेकिन कोशिश ये भी करिएगा, अपने इन MLAs को कहिएगा कि आप वो चीज़ करके दिखाएं जिस तरीके से आपने अपना काम कर दिया, आप ये भी अपना काम, इंशाल्लाह अपना काम जो इन्होंने अवाम ने किया ना इसी तरह करेंगे, इन्होंने भी इसमें कोई किसी का ऊंच नीच नहीं किया, कोई भी नहीं कर सकता। पीडीपी को और बीजेपी को ये हमने 5 अगस्त 2019 का जवाब दे दिया है, और वो ये याद रहे सर, ये इंशाल्लाह लोगों ने लोग अपनी जगह पर मुतमईन थे, लोग वोट देने में मुतमईन थे, हमने कहाँ देना है। लेकिन लीडर ने ये कंट्रोवर्सी लीडर डाल रहे थे कि उनको मिलता कुछ नहीं था, वोटरों को क्या कहें, हमें क्या मिल रहा है, वो कह रहे थे कि हम
हम ठीक हैं, अपनी जगह पर मजबूत हैं। चलो बहुत बहुत कुछ नहीं था अंदर में। बहुत बढ़िया, आप सबको जीत मुबारक हो और इसका आप जश्न भी मनाएं, लेकिन ये भी याद रखें कि अभी क्या होना है, अभी किसकी सरकार बननी है, ये काफी सारी चीजें हैं। अब सरकार में कितने आपके काम हो पाएंगे ये भी चीजें हैं। एक दूसरे के साथ इसी तरीके से मोहब्बत और प्यार रखिएगा और ताकि हमारा जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट का जो भाईचारा है वो ऐसे ही कामयाब हो। मेडिकल कॉलेज की ख्वाहिश हमारी वो पूरी होगी इंशाल्लाह। बाकी वो रोड़े भी हमारी इंशाल्लाह देखना, 10 साल से कुछ नहीं किया इन्होंने। हमारी ख्वाहिश है हम डिस्ट्रिक्ट ले जाएंगे मेडल में इंशाल्लाह। पहला पॉइंट हमारा पहला पॉइंट पुंछ की रोड इतनी काबिलियत रखते है की वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोगों को आगे नहीं होने देते हवेली और मिट्टी को, और हम ये दुआ करते हैं कि मेडल हमसे अलग हो जाए। हम डिस्ट्रिक्ट ले जाएंगे, बिल्कुल वो हमसे अलग होने चाहिए क्योंकि बहुत मेहनती लोग हैं बेंडर के। और वो चलिए बहुत 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 शुक्रिया आप सबका, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, खुदा हाफिज़।